जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी या मतलब टी आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का इंतजार कर रहे हो, प्रादेशिक सेना का इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर लंबे समय के बाद में आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है, सेना के अधिकारी ने बताया रैली प्रोग्राम एक नई टी आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती आयोजित की जाने वाली। यहाँ पर सभी को मौका मिलने वाला है, जो रिक्रूटमेंट का आपका हेडक्वार्टर है वहाँ से एक नोटिस जारी है दोस्तों। रैली भर्ती फिर से आपकी रैली भर्ती होने वाली है दोस्तों। 18 से 42 वर्ष के सभी जवान यहां पे भाग ले सकते हैं। दोस्तों, मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से अभ्यर्थी यहां पर भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपकी एज भी मतलब आज आप इंडियन आर्मी से एवरेज हो चुके हो, अगर आपकी एज 23 वर्ष से ज्यादा हो गई तो दोस्तों यहां पर आपको फिर से बड़ा मौका मिलेगा। अगर आपकी एज 18 साल से 42 वर्ष तक है तो आपको सेना में भर्ती होने का यहां पर बड़ा मौका मिलने वाला। सभी ट्रेडों पर आपकी भर्ती होने वाली, जैसे सोल्जर जीडी है, सोल्जर कलरक है, ट्रेडमैन है, इसमें सभी की भर्ती होगी। अगर आप ड्राइवर भी बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ड्राइवर बनने का भी बड़ा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दे, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया टी आर्मी का कोई भी नया रिक्रूटमेंट रैली आयोजित किया जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो आपके पंजाब है, आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली के युवाओं के लिए सेना में जाने का अच्छा मौका आ चुका है। जी हां दोस्तों, माधोपुर में सेना भर्ती 18 फरवरी से होगी। आपकी सेना की 126वीं इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी जेक राइफल में आपकी 18 से लेकर 27 फरवरी तक माधोपुर में भर्ती रैली आयोजित करेगी। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि योगी कैंडिडेट माधोपुर में 18 फरवरी को सुबह 6 बजे आपको क्या करना है दोस्तों, रिपोर्ट करनी है यहां पे। और उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को सोल्जर जीडी के लिए 18 फरवरी को आपकी भर्ती होगी। पहले दिन सोल्जर जीडी के लिए पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, जालंधर, कपूरथला और लुधियाना जिलों के कैंडिडेट भर्ती में भाग ले सकते। जबकि 19 फरवरी की बात करें तो 19 फरवरी को आपके गुरुदासपुरा है, अमृतसर है, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर और तरनातरन के युवा भर्ती में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की और 21 को जम्मू कश्मीर और 22 को हरियाणा, चंडीगढ़, यूटी और दिल्ली के युवाओं के लिए भर्ती होगी। 23 को सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। इसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ के जितने भी युवा है वो सब इस भर्ती में भाग ले सकते हो। अब दोस्तों, इस भर्ती की महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं। अगर खास तौर से बात करें तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 42 वर्ष है तो यहां पर आपको मौका मिलेगा। साथ में एक और बड़ा मौका यहां पे मिलने वाला, अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो भी आपको यहां पर सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, वो भी सोल्जर जीडी के पद पर। अगर इससे भी कम है तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं, आपको सोल्जर कलरक में भी बड़ा मौका मिलेगा। और खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बड़ा चेंजेस नहीं किया गया। अगर आप बात करें सोल्जर जीडी में भर्ती होना चाहते हो, अगर आप 10th पास हो मतलब 45% मार्क्स आपके बन रहे तो सोल्जर ट्रेड में सोल्जर जो जीडी और ट्रेड में यहाँ पर भर्ती हो सकते हो। जबकि अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है तो भी दोस्तों बन सकते हो, आप टी आर्मी में सेना में भर्ती हो सकते हो। इसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप 12th पास है तो 10th के नंबरों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10th पास हो तो भी यहाँ पर आप सेना में भर्ती हो सकते हो। अगर बात करें सोल्जर कलरक की तो 12th में अगर आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पर भर्ती हो सकते हो। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है तो भी आप कलरक भर्ती हो सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, जी हां दोस्तों ग्रेजुएट हो, तो यहां पर आपको बड़ा मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सेना रैली भर्ती है जो आपकी 18 फरवरी से शुरू होगी, बड़ा मौका है दोस्तों। 27 फरवरी तक आपकी भर्ती चलेगी। आपका फिजिकल और मेडिकल फिट होगे, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में वही आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड। जी हां दोस्तों, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा जीडी और ट्रेड के लिए, जिसमें से 60 नंबर की आपकी रनिंग होगी और 40 नंबर की आपके पुलअप्स होगी। अगर आप
100 में से 100 फिजिकल में निकालते हो तो उसके बाद में 100 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर का आपका रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद में आपकी फाइनल मेट बनने वाली। अब खास बात बता देता हूँ, एनसीसी वालों को फायदा मिलेगा जो आर्मी में मिलता है, वही टेरिटोरियल आर्मी में फायदा मिलेगा। आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपका एग्जाम नहीं लगेगा, बी है तो आपको 10 नंबर और ए है तो 5 नंबर मिलेंगे। अब खास बात बता देता हूँ दोस्तों, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी यहाँ पर बड़ा फायदा मिलेगा, उनको भी 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले और वो हाइट में भी और छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। साथ में दोस्तों आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके राज्य की आपके जोन की रैली भर्ती आयोजित की जाए तो उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास में ये सूचना पहुँच जाए, क्योंकि 18 फरवरी से आपकी सेना रैली भर्ती होने वाली है। तो बहुत बड़ी सेना रैली भर्ती का आयोजित होने वाला, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती लंबे समय के बाद में आपकी भर्ती आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।